आ जाइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो आज का सेशन रहेगा वो आपके आर्मी का सेशन रहेगा और साइंस का सेशन रहेगा, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चंस कंबाइंड रहेंगे। और ये क्वेश्चंस रहेंगे जनरल साइंस के रहेंगे भाई। जो मेरा भाई GD की तैयारी कर रहा है या टेक्निकल की तैयारी कर रहा है, या क्लर्क की तैयारी कर रहा है, ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहा है, या नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए साइंस जो रहेगी हेल्पफुल रहेगी मेरे दोस्तों। जो मेरा भाई चैनल से ना जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बच्चा, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो बता भाई, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, तो बस जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी नहीं है। इथेन नहीं है, जलवाष्प नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चा। तो ध्यान रखना बच्चा, जो आपकी इथेन गैस होती है, ये आपकी क्या नहीं होती है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी की जो जलवाष्प, मतलब जो वाटर वेपर्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFC बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ये सभी जो गैसेज होती है बच्चा, वो कैसी गैसेज होती हैं? ये सभी आपकी कैसी गैसेज होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, परंतु इथेन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? मतलब कि इनमें से एक रोग है, और जो रोग किससे नहीं फैलता है भाई साहब, रक्तदान मतलब रक्त देने से नहीं फैलता है, तो कौन सा रोग होगा बच्चा? वो हेपेटाइटिस होगा, टाइफाइड होगा, HIV होगा, या फिर मलेरिया होगा। यदि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को रक्त दिया है तो उससे नहीं फैलेगा। तो बच्चों ध्यान रखिए, इनमें से कौन सा होगा बच्चा? वो होगा आपका टाइफाइड। कौन सा होगा बच्चा? टाइफाइड आंसर होगा। आपको पता होगा HIV जो होता है, HIV जो होता है, एक्वायर्ड अम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है, इसमें एड्स की बीमारी होती है, वो बीमारी HIV होती है। तो ध्यान रखना, मलेरिया भी फैलेगा, हेपेटाइटिस फैलेगा, परंतु टाइफाइड नहीं फैलेगा। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा मेरे बच्चों। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक जिसको हम बोलते हैं सक्सेसर, और कौन है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, इसमें कौन सा होता है यौगिक कारक जो होता है, जिसको हम बैक्टीरिया बोलेंगे, प्रोटोजोआ बोलेंगे, या कवक बोलेंगे, या हरे पौधे बोलेंगे? जल्दी से बताइए। यौगिक कारक जो होता है बच्चा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सूर्य की जो प्रकाश होता है, सूर्य की जो लाइट होती है, उसको यूज करने के लिए सबसे पहले कौन यूज करेगा, हम ये बात कर सकते हैं इस वायुमंडल में, एटमोसफेयर में। तो आपको पता होगा बच्चे, जो हरे पौधे जो होते हैं, जो इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, यही क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? हरे पौधे जो होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? सिक्सेटर होते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है, एक खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन जो होती है बच्चा, उस फूड चेन में सबसे निचले वाला जो स्तर होगा वो कौन सा होगा? वो उपभोक्ता, इसका मतलब कंज्यूमर जो होते हैं, सेकंड कंज्यूमर होगा, या फिर जो प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब एक तो निर्माण करने वाला, एक यूज करने वाला, एक सेकंड यूज करने वाला जो होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, जो हम होते हैं, हम क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं, ठीक है जी, और जो पेड़ पौधे हैं, ये क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर जो आएगा वो कौन सा आएगा बच्चा? वो आएगा आपका उत्पादक, जो जिस चीज को पैदा करते हैं फूड चेन में। जैसे मैं कह देता हूँ, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे की हम बात करें, तो पेड़ पौधे जो होते हैं बच्चा, ये आपके क्या होते हैं? उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं फूड चेन में, जो पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं बच्चा। उसके बाद आपकी चीजें आते आएंगे, जो भी चीज को खाएगा तो आपका कंज्यूमर होगा, मतलब उपभोक्ता होगा, फिर उसको जो खाएगा उपभोक्ता को, तो क्या होगा? दूसरा आपका होगा उपभोक्ता होगा, सेकंड कंज्यूमर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार स्लाइवा का लाभ नहीं है। मतलब कि जो आपके मुंह के अंदर जो स्लाइवा बनता है, जो लार बनती है, उसमें उसका इसमें कौन से का कार्य नहीं है, कि लार का क्या कार्य नहीं होता है? देखिए, यह निगलने में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है बच्चा। जो आपका भोजन होता है उसको सॉफ्ट बनाने में, प्लस निगलने में जो हेल्प करती है, वो लार करती है, बिल्कुल सही बात है। यह शरीर की RBC का निर्माण करती है, मतलब कि रेड ब्लड सेल का निर्माण करती है। ये बात तो कहीं ना कहीं गलत सिद्ध होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपको ऑप्शन पढ़ना है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, बिल्कुल सही बात है। आपका जो लार होता है, आपने जो खाना खाया होता है, उस खाने को जो क्या होता है, उसके पार्टिकल जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसको अलग करने का जो काम करती है, लार ही होती है। आपने देखा होगा मुंह में लार जो होती है, तो मुख को साफ और दांतों को साफ रखने का काम करेगी। फोर्थ है, यह होठों तथा जीभ की गति को अनुकूल बनाए बनाकर बोलने में मदद करती है। इसका मतलब आपके जो लिप्स होते हैं और जो आपके जीभ होती है, उसकी गति को, है ना, जो होता है उसको
अच्छे से बोलने के लिए क्या होती है, हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि तो आपको पता होगा ना, क्योंकि तो जब आपका मुंह सूख जाता है तो क्योंकि लार खत्म हो जाती है, तो क्या होगा आपको बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। ध्यान रखना जीभ और होठों में जो बनाए रखेगा, अनुकूल बनाए रखने का काम करेगा बोलने के लिए। तो ध्यान रखना इनमें से लार का काम नहीं है, कौन सा लाभ नहीं है, तो ध्यान रखना बच्चा। इसका आंसर होगा आपका सेकंड, यह शरीर की आरबीसी की वृद्धि करती है। ये बात गलत सिद्ध होती है, बिल्कुल आरबीसी का निर्माण नहीं करती है। आरबीसी की जो वृद्धि करती है, निर्माण जो करती है बच्चा, वो आरबीसी का जो निर्माण करती है, रेड ब्लड सेल का जो निर्माण करती है मेरे बच्चों, वो आपका कौन करती है, वो आपका करती है बच्चों, आरबीसी का जो निर्माण करती है वो करती है आपका बोन मैरो। कौन करती है? बोन मैरो। बोन मैरो जो होता है बच्चा, ये बोन मैरो जो होता है, ये आपका बोन मैरो जो होगा, जो इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा जो होता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अस्थि मज्जा कहा जाता है बच्चों, अस्थि मज्जा। ये बच्चा अस्थि मज्जा जो होता है, इसमें आपकी आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट का, इन सभी का जो निर्माण होता है बच्चों, वो कहाँ पर होता है? आपका आपका अस्थि मज्जा में होता है। परंतु लार जो होती है, लार का काम होता है एक तो भोजन के पाचन में हेल्प करना, प्लस में भोजन को लेगरने में हेल्प करना, प्लस में आपका मुख और दांतों को साफ रखना, ये सारी चीजें होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, जो आपके शरीर में कुछ बीमारियां जो होने लगती हैं उन बीमारियों को रोकने में जो मदद करने वाला विटामिन होता है बच्चा, वो कौन सा होता है? वो विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है जी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें जो आपका भाई तैयारी कर रहा है, ठीक है जी। चलिए तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है? विटामिन सी होता है बच्चा। कौन सा होता है? विटामिन सी। और विटामिन सी कहाँ से मिलता है बेटा? खट्टे, जो आपके खट्टे फल होते हैं, खट्टी चीज होती है फलों से, खट्टे फलों से जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा बच्चा? वो आपका विटामिन सी मिलेगा। विटामिन ए जो होता है, ये आपको मोस्टली ज्यादा मात्रा में किससे मिलता है? गाजर से मिलता है। सबसे पहले पिरौती गाजर को, फिर आप सेब भी कह सकते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखें। तो आपको गाजर से विटामिन ए मिलेगा। विटामिन डी जो मिलता है, ये बच्चा मिलता है सूर्य के प्रकाश से। किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से बच्चे, ठीक है जी। तो ध्यान रखें, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, प्लस में दूध से मिल सकता है, दूध से भी, ठीक है जी। एक बार क्वेश्चन कहा गया था, कौन सा विटामिन दूध में नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? दूध में नहीं होता, दूध में नहीं होता है मेरे बच्चों। वो कौन सा विटामिन होता है बच्चा? वो होता है आपका कौन सा? विटामिन सी दूध में नहीं होता है, ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ चलेंगे, इसका आंसर होगा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? जो आपकी फूड पाइप जो होता है, इस आहार नाल में स्टार्च जो होता है आपका, स्टार्च का पाचन करने के बाद जो एंड का जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? दो दोस्तों ध्यान रखिए, उसको क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, गैलेक्टोज बनेगा, माल्टोज बनेगा, या फिर आइसोमाल्टेज बनेगा। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए भाई। तो ध्यान रखना, जो आपका स्टार्च का अंतिम उत्पाद होगा उसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं। स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट से, जो भोजन का एक रूप है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो आपका स्टार्च है। परंतु आपका यदि मैं बात करता हूँ कि मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड में आपका कौन सा होता है बच्चा? वो होता है ग्लूकोज। तो ध्यान रखना बच्चा, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो बनता है वो क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है बच्चा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 है, त्वचा क्या है? स्किन होती है वो क्या है? उत्सर्जी अंग है, या फिर संवेदी अंग है, या फिर श्वसन अंग है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्सर्जी का मतलब होता है कुछ वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम करने वाला अंग है, या फिर सेंसरी ऑर्गन है आपका, संवेदी अंग है, या फिर श्वसन अंग है। तो ध्यान रखना बच्चा, ये क्या होता है? आपका संवेदी अंग होता है। क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन। क्या होता है बच्चे? आपने सुना होगा जब हम छोटे बच्चे थे तो उस टाइम कहते थे कि हाउ मेनी सेंसरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं बच्चा, वो आपके कितने होते हैं बच्चे? वो 5 होते हैं। सभी को पता होगा इसका, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जो होते हैं ये क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। तो संवेदी अंग जो होता है आपका त्वचा होता है। त्वचा को कहते हैं भाई, त्वचा जो होती है सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग जो कहा जाता है बच्चों, वो कहा जाता है आपको त्वचा को। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होती है। और त्वचा में जो वेट होता है लगभग 8 से 7 या 7 से 8 kg आपके बॉडी के अंदर जो वेट होता है, 8 kg के आसपास आपका किसका वजन होता है? त्वचा का वजन होता है। त्वचा की सबसे अधिक मोटाई जो होती है वो पैर का तलवा होता है। पैर का तलवा बच्चे, कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते रहिए इन चीज़ों को भाई साहब, आपको विशेष
इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो पैर का तलवा सबसे मोटी स्किन है, सबसे मोटी त्वचा, सबसे मोटी त्वचा जो होती है बच्चा पैर का तलवा, और सबसे पतली त्वचा की हम बात करें, सबसे पतली जो होगी बच्चा वो होगी आपका आँखों की पलकों के ऊपर, आँखों की पलकों के ऊपर, आँखों की जो पलक होती है उसके ऊपर होती है आपकी कौन सी सबसे पतली त्वचा, जिसको हम बोलते हैं लिड ऑफ आईज। क्या बोलते हैं? लिड ऑफ आईज जो होता है आँखों की पलकों के ऊपर जो होती है त्वचा की, सबसे पतलापन होता है, सबसे मोटापन, मोटा जो होती है त्वचा वो होती है आपके पैर का तलवा में। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना भाई, और सेंसरी ऑर्गन होते हैं पांच, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, और त्वचा भी एक सेंसरी ऑर्गन होता है। ठीक है जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। त्वचा का अध्ययन जो होता है वो डर्मेटोलॉजी होता है। क्या होता है? डर्मेटोलॉजी। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखिए, डर्मेटोलॉजी होता है। ठीक है, डर्मेटोलॉजी होता है, त्वचा का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त कैंसर का दूसरा नाम क्या है? भाई रक्त जो होता है, रक्त का कैंसर जो होता है, रक्त कैंसर का दूसरा नाम जो ब्लड कैंसर होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? उसको हम बोलते हैं ल्यूकोडर्मा, एल्सिसीमिया, या फिर ल्यूकेमिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बता देते रहिए। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं भाई साहब। दोस्तों गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए चलिए ध्यान रखिए, तो ध्यान रखना उसको क्या बोलते हैं, रक्त कैंसर क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। क्या नाम होता है दूसरा नाम? ल्यूकेमिया नाम होता है भाई साहब। ध्यान रखिए भाई साहब, आपके शरीर के अंदर यदि WBC की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगती है, व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो आपको ल्यूकेमिया रोग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? भाई सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाएगा? वो मूंगफली में पाया जाता है, वो काला चना में पाया जाता है, बंगाली चना में, सोयाबीन। जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी को बताइए। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन जो होगा, सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है, ये आपने सुना होगा बच्चों, ये किस में पाया जाता है? सोयाबीन। वही चीज़ें होती हैं, सोयाबीन और चना। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन चना में पाया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए भाई साहब, आपको क्या लगाना है, सोयाबीन सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, पहले नंबर पर सोयाबीन, दूसरे नंबर पर चना, और तीसरे नंबर पर चना भी ना आए तो फिर आपको लगाना है दालें। तो दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसका आंसर क्या होगा भाई? सोयाबीन में। क्या होगा? सोयाबीन जो होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका सोयाबीन के अंदर होता है, और सोयाबीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है वो कहाँ पर होता है? सोयाबीन और चना MP के अंदर। कहाँ होते हैं दोनों ही पैदा? MP मतलब कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाले जो आपकी फसलें होती हैं सोयाबीन चना, वो MP के अंदर होती हैं। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा? तो वो कैल्सिटोनिन होगा है, या प्राठोमो होगा, या फिर थायरोक्सिन होगा, या फिर वेसोक्सिन होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों। तो मनुष्य का जो रक्त होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा को जो बढ़ाने का काम करता है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है बच्चा। कौन सा होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये बच्चा निकलता है पैराथायरॉयड। किससे निकलता है? आपकी ग्रंथि होती है पैराथायरॉयड ग्रंथि, इस ग्रंथि से जो निकलने का काम करेगा वो आपका कौन सा हार्मोन होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। एक होता है पैराथायरॉयड हार्मोन और एक होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। दोनों जो निकलते हैं ये आपके पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलते हैं, ध्यान रखना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो तब सिल्वर धातु बन जाती है, तब उसका कलर किस प्रकार का होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो तब सिल्वर धातु जो बन जाती है उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल कलर का हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा, सफ़ेद रंग का, या भूरे रंग का? जल्दी से बताते रहिए मेरे दोस्तों, बड़े शानदार। चलिए तो ध्यान रखना भाई, वो क्या हो जाता है आपका? भूरा कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? भूरा कलर हो जाता है मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपके सामने, कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है बच्चा, इसका कमेंट करके बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। जल्दी से फटाफट से जल्दी से कमेंट करिए। चलिए मेरे दोस्तों देखिए, तो ध्यान रखना, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है?
वो अब टू ग्रंथी मतलब थायराइड ग्रंथी होती है, प्राप टू मतलब पैराथायराइड या अधिविक एड्रिनल या फिर पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी। तो ध्यान रखना ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आगे हिंदी में लिखे हुए हैं नाम है। तो ध्यान रखना भाई शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है बच्चा वो कौन सी होती है, आपका अंतःस्रावी की बात करें तो वो होती है थायराइड। कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है गले के अंदर पाई जाती है। पैराथायराइड जो होता है ये गले के जस्ट पीछे पाई जाती है और थायराइड ग्रंथि से थायरेक्सन हार्मोन्स निकलने का काम करेगा मेरे दोस्तों। पैराथायराइड पीछे होती है तो आंसर जो होगा बच्चा वो क्या होगा, फर्स्ट ए होगा। ठीक है जी, अधिविक्र ग्रंथि जो होती है ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, किडनी के ऊपर। ठीक है जी, जो आपका विक्र होता है ना, विक्र गुर्दा जिसको हम बोलते हैं, विक्र का हो या गुर्दा, गुर्दा के ऊपर जो पाई जाती है बच्चा वो पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि या अधिविक्र ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है बच्चों, ब्रेन में। और इस पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, मास्टर जो मास्टर है वो आपकी कौन सी है भाई साहब, मास्टर ग्रंथि जो होती है वो आपकी होती है पीयूष ग्रंथि, ब्रेन के अंदर पाई जाती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि सर्वदाता तथा सर्वग्राही का रक्त समूह है। सर्वदाता तथा सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई साहब सर्वदाता को जो कहते हैं आपका, हम कह सकते हैं यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर जो हम कह सकते हैं, ये लेने वाला, इसको हम दाता को दानी बोल सकते हैं, दानी। ठीक है, ये दानी है, दान दान करने वाला है। और सर्वग्राही को बोलेंगे भिखारी। ठीक है जी, तो ध्यान रखना भाई जो सर्वदाता होता है वो ओ या ए बी होता है या ए या बी होता है, ए बी या ओ होता है या बी या ए होता है, जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए। तो देखिए बच्चों ध्यान रखना, जो सर्वदाता होता है वो ओ होता है, सर्वदाता कौन सा होता है, ओ। ठीक है जी, और भिखारी जो होता है वो होता है ए बी। ए बी सभी से लेगा और ओ सभी को देगा, और ओ वाला किसी से नहीं लेगा, ओनली ओनली ओ से लेगा। ठीक है जी, ध्यान रखना भाई। तो इसका क्या होगा, सर्वदाता जो होता है वो ओ होगा और सर्वग्राही कौन सा होगा, ए बी। ठीक है जी, दानी और दाता, दानी ओ है और भिखारी ए बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। यदि आपने पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाया है तो कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यदि पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है तो बच्चा कौन सी गैस निकलती है आपका, क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी, क्लोरीन गैस। पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है बच्चा, क्लोरीन गैस निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कॉन्स्टेंट है ना जी, कॉन्स्टेंट जिसको बोलते हैं नियतांक है ना जी, कॉन्स्टेंट है, नियतांक है, ये कैपिटल जी होती है। तो कैपिटल जी के सिद्धांत की खोज किसने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है जी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की है, या फिर आपका किसने की है, गैलीलियो ने की है, या फिर चार्ल्स डार्विन ने की है, फिर आइजैक न्यूटन ने की है। तो ध्यान रखना भाई साहब, जिन्होंने जी के बारे में बताया है वो है एक ही व्यक्ति, आइजैक न्यूटन। कौन है, न्यूटन, जिन्होंने थ्री लॉज दिए थे, लॉ ऑफ मोशन मतलब गति के नियम दिए थे न्यूटन ने ही। और बड़ी जी और कैपिटल जी, बेटा बड़ी जी होती है और एक होती है छोटी जी। तो बड़ी जी होती है कॉन्स्टेंट होती है, कैसी होती है कॉन्स्टेंट, इसका मान होता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वेयर, ये होता है बड़ी जी। और छोटी जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर होता है। बच्चा लिख लीजिए इन बातों को, बहुत ही विशेष इंपॉर्टेंट है। ये बच्चा कॉन्स्टेंट रहती है, क्या रहती है, कॉन्स्टेंट को बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं, नियतांक, मतलब ये स्थान चेंज करने पर या आप ऊपर जाओ नीचे जाओ कहीं भी जाओगे तो ये वैल्यू फिक्स रहने वाली है। परंतु ये जो होती है जी होती है, ये होती है वेरिएबल। कैसी होती है, वेरिएबल, मतलब कि स्थान चेंज करने पर जो छोटी जी होती है वो बदलती रहती है। आप पोल्स पर जाओगे जी का मान ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा होता है। आप विषुवत रेखा पर जाते हो तो जी का मान कम होगा, और यदि पृथ्वी के केंद्र पर सेंटर में जाते हो तो जी का मान जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखें। परंतु ये आप कहीं भी जाइए कैपिटल जी के मान जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आप पोल्स पर जाइए, आप इक्वेटर पर जाइए मतलब विषुवत रेखा पर जाइए, या फिर आप केंद्र पर जाइए। ठीक है जी, तो ध्यान रखना सार्वभौमिक सिद्धांत के बारे में, जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था, आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, लोहे में गैल्वनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है। भैया गैल्वनाइजेशन जो होता है, ठीक है जी, जिसको हम जस्तीकरण बोलते हैं, लोहे पर आपका किसकी परत चढ़ाई जाती है हम कह सकते हैं, तो तांबे की परत चढ़ाई जाती है, मैग्नीशियम की, क्रोमियम की या फिर जस्ते की। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो आपका गैल्वनाइजेशन होता है लोहे पर चढ़ाई जाती है जस्ते की परत। किसी पर चढ़ाई जाती है बच्चा, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, जाइगोट का निर्माण किससे होता है। भाई साहब जाइगोट जो होता है फीमेल के अंदर बनने वाली प्रोसेस होती है, जिसमें आपका मेल का आपका शुक्राणु जिसको हम स्पर्म बोलेंगे, और फीमेल के अंदर होता है ओवम जिसको अंडाणु बोलेंगे, उसके मिलने से जाइगोट बनता है, जिससे बच्चे का निर्माण होता है हम ये कह सकते हैं। तो शुक्राणु से होगा, अंडाणु से होगा, अंडाशय से होगा इनमें से, या फिर ए या बी होगा। तो ध्यान रखना
ए और बी, इसका मतलब हम कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से आपका जायगोट बनता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखने, भ्रूण जो अवस्था होती है तो जायगोट जो बनता है आपका शुक्राणु और अंडाणु से मिलने से। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई साहब विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत का जो फ्लो है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई आपका है बैरोमीटर का, एमीटर का, नैनोमीटर का या फिर मीटर का। तो ध्यान रखने पर विद्युत प्रवाह है, विद्युत का जो फ्लो है, करंट, जो करंट का फ्लो है उसे किससे मापा जाता है? तो बच्चों बैरोमीटर से, एमीटर, नैनोमीटर, मीटर, तो ध्यान रखना वो किससे मापा जाता है? एमीटर से। किससे मापा जाता है? एमीटर से मेरे बच्चों मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, देखो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। भाई चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? भाई सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाएगा? वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है या फिर आपका परावर्तक दर्पण का, अवतल दर्पण का या समतल दर्पण का? तो गाड़ी की जो सर्च लाइट होती है, हेडलाइट जो होती है सामने वाली, उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है बच्चा? वो दर्पण होगा जो लाइट को इकट्ठा करने का काम करेगा। तो अवतल दर्पण लाइट को इकट्ठा करता है, उत्तल दर्पण लाइट को फैलाने का काम करेगा। इसका मतलब अवतल दर्पण कन्वर्जिंग होगा और उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग होगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा बच्चा वो क्या होगा? अवतल दर्पण। कौन सा होगा? गाड़ी की जो सर्च लाइट होती है उसमें अवतल दर्पण होता है। ये टॉर्च आप कह सकता है, ये टॉर्च किसी हो सकती है, पुलिस की टॉर्च हो सकती है, डॉक्टर की टॉर्च हो सकती है। ये आपका जो सेविंग वाला शीशा जो होता है ना, सेविंग वाला शीशा भी जो होता है वो भी कौन सा होता है भाई साहब? अवतल दर्पण ही होता है। डॉक्टर की टॉर्च जो होती है, पुलिस वाले की जो टॉर्च होती है, सर्च लाइट, गाड़ी की सर्च लाइट जो होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है बच्चा ये होता है अभिसारी। कैसा होता है? अभिसारी दर्पण होता है। अभिसारी का मतलब होता है बच्चों जो लाइट को इकट्ठा करेगा, क्या करेगा? प्रकाश को इकट्ठा करना, प्रकाश को इकट्ठा करने का जो काम कर रहा है बच्चों वो कौन सा करता है? वो आपका अवतल दर्पण करता है। मैं उत्तल दर्पण की बात करूँ तो लाइट को फैलाएगा, प्रकाश को फैलाने का काम है वो आपका उत्तल दर्पण का होता है, जिसको हम बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्या बोलेंगे? अपसारी दर्पण भी कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आगे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला कि संवेग किसके बराबर होता है? संवेग के बारे में बात कर रहा है, संवेग किसके बराबर होगा? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होगा या फिर समय और द्रव्यमान का गुणनफल होगा या फिर आपका भार एवं द्रव्यमान का गुणनफल होगा या फिर द्रव्यमान एवं दूरी का गुणनफल होगा? तो बच्चों आपको पता है ना, पी बराबर जो होता है वो होता है एम वी। पी का मतलब होता है संवेग। क्या होता है? संवेग। ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। और बेटा एम का मतलब होता है मास। ठीक है जी, और वी का मतलब होता है वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। तो हिंदी में इसको बोलेंगे वेग, वेलोसिटी को। मास को बोलते हैं द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान। संवेग बराबर किसके गुणनफल है भाई साहब? देख लीजिए आप, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। तो देख लीजिए आंसर कौन सा होगा। तो बच्चों आपका आंसर होगा ए, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल करने पर संवेग बनता है पी इक्वल टू एम वी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिरोध जो होता है आपका, रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक या इकाई क्या है? जल्दी से बताइए, प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जो होगा बच्चा, रेजिस्टेंस जो होगा उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है या फिर वॉट होता है या एमीटर होता है, ओम होता है। जल्दी से बताइए, बड़े विशेष इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए क्वेश्चन, और पेपर में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे भाई साहब ये सारे क्वेश्चन। आपको पूरा सेशन पढ़ना है भाई साहब, लगभग आपकी जो है आर्मी की जो क्लासेस हैं, साइंस की क्लासेस, लगभग से लगभग 7 से 8 क्लास जा चुकी हैं। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑल नोटिफिकेशन पर आपको सेट कर लेना है। आपको जितनी भी क्लासेस हैं सारी जाकर देखनी है भाई साहब। हम लगभग आपका प्लस कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे आपके फिजिक्स के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के सभी के, और ये आपकी जनरल साइंस होगी भाई साहब। मैंने कोई एडवांस चीज़ें नहीं पढ़ाई आपके लिए, तो ध्यान रखना भाई। चलिए तो ध्यान रखना भाई, प्रतिरोध का सही मात्रा जो होता है बच्चा वो क्या होता है? आपका ओम होता है। क्या होता है बच्चा? ओम होता है, ओम। ठीक है जी, ऐसे सिंबल होता है, आपने देखा होगा ऐसे करके ओम का सिंबल। ठीक है जी, तो ओम होता है भाई। ठीक है जी, प्रतिरोध का। आगे देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 23 है, अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण है। भाई यदि प्रतिबिंब बनता है, कैसा व्यक्ति का प्रतिबिंब बन रहा है छोटा, तो वो कौन सा दर्पण है? तो भाई वो समतल दर्पण है, वो अवतल दर्पण है, गोलीय है या फिर उत्तल दर्पण है। तो ध्यान रखना बच्चा, यदि किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? इसको हम बोलते हैं कॉनवेक्स। कौन सा होता है बच्चा? कॉनवेक्स बोलते हैं इसमें। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। आगे क्वेश्चन कब चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। भाई थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है,
थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है वो आयरन आवश्यक होता है, आयोडीन आवश्यक होता है, तांबा या फिर कैल्शियम। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्रंथि से निकलने का काम करेगा, गले में होती है भाई साहब। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से आपके शरीर में गलघेंटुआ, गलखंड, जो गोइटर रोग होता है, ये बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है जी। तो ध्यान रखना भाई, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक जो है वो है आपका आयोडीन, जिसको हम नमक बोल देते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड या नमक कह देते हैं, कहते हैं भाई आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए आप सभी को बच्चों, ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि 25 क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती हैं तब मुड़ जाती हैं, किस तरफ मुड़ जाते हैं भाई, सघन माध्यम से विरल माध्यम। देखिए बच्चे यहाँ पर मान के चलो आपने ले रखा है, आपने यहाँ पर ले रखा है पानी, क्या ले रखा है पानी, समझिए ये पानी है, और भाई इधर आपने ले रखा क्या चीज, आपने यहाँ मान के चलिए आपने यहाँ पर ले रखा है हवा, क्या ले रखी है एयर, हवा। तो देखिए बच्चा ध्यान रखना, ये पानी जो है इसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सघन माध्यम, कैसा माध्यम है सघन माध्यम, जिसके कण आस पास 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 होते हैं वो सघन माध्यम, जिसके कण दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं वरल माध्यम, क्या बोलते हैं बच्चा वरल माध्यम, सभी लिख लीजिए इन बातों को। तो ध्यान रखना सघन माध्यम जिसको हम बोलते हैं भाई सब डेंसर मीडियम, वरल माध्यम बोलते हैं रेयर मीडियम इंग्लिश में। तो सघन माध्यम जो होता है जैसे पानी हो गया, इधर क्या हो गया हवा। अब मान के चलिए आपने यहाँ से कोई लाइट गुजारी, तो ध्यान रखना भाई साहब जो लाइट होती है भाई साहब किसी भी जब सघन माध्यम से वरल माध्यम में जाती है तो बच्चा वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, जो नॉर्मल होता है ना बच्चे नॉर्मल, ये अभिलंब होता है, ठीक है जी। इस अभिलंब से क्या हो जाएगा बच्चा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसका मतलब जानी तो ऐसे थी ऐसे करके, तो ये क्या हो जाती है बच्चा, ये इससे दूर हट गई है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना ऐसे जानी थी तो क्या हो जाता है, इस अभिलंब से दूर हट जाती है ऐसे करके, ऐसे चली जाती है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिए जैसे आपका मान के चलिए बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, देखो एक होता है रेयर टू डेंसर जलता है, मतलब कि विरल से सघन की ओर चलता है। तो आपने कभी देखा होगा कांच के ग्लास में पानी के अंदर आप जैसे ही कोई पेंसिल डालते तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो आपको क्या होता है यही माध्यम होता है, परंतु ये नहीं, वो होता है विरल से सघन की ओर, ठीक है। जिसमें क्या होता है जो लाइट होती है सघन से और विरल से सघन की ओर जाती है, और यहाँ पर क्या होगा सघन से विरल की ओर जा रही है, ठीक है जी। तो ध्यान रखना अभिलंब से दूर हट जाएगी, हट जाएगी दूर, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए भाई, क्योंकि जो सघन से विरल विरल से सघन होता है ये प्रकाश के अपवर्तन पर काम करता है, किस पर काम करता है प्रकाश का, ये लिख लीजिए भाई प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन पर काम करता है। फिर सुन लीजिए, जब कोई लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अंदर की ओर, ठीक है जी। तो अभिलंब जो होता है एक नॉर्मल होता है, यहाँ ध्यान रखिए, तो ऐसे लाइट आ रही थी और ठीक है जी उसको सीधा जाना था, इसी तरह जाकर के क्या हो जाती है इसकी ओर झुक जाती है, ठीक है जी, इधर झुक गई है। और बच्चा यदि कोई उल्टा कर दिया जाए, यहाँ आपका विरल बना दिया या सघन, तो भाई साहब आपका जब आपका सघन से विरल की ओर जाएगी, इधर से इधर जा रही है, तो ध्यान रखना तो क्या होती है अभिलंब से दूर हट जाती है, इस तरफ चली जाती है। तो ध्यान रखिए सघन से विरल जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल से सघन की ओर जा रही है लाइट तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है जी। ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। भाई ऑक्सीकरण ना हो, वो गले सड़े नहीं है, खराब नहीं हो, ऐसा हम कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन होता है टूटना जो होता है, तो भाई किसके कारण उसको रोका जा सकता है, ऑक्सीजन के कारण इससे तो होता है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन कारण या मिथेन कारण। ध्यान रखना भाई खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का, किसका नाइट्रोजन का। वैसे भी आपने देखा होगा नाइट्रोजन गैस के जो पैकेट होते हैं, किसके पैकेट के अंदर क्या होता है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे उसकी नमी से उसको रोका जाए, ठीक है जी। नमी हो जो आपका चिप्स वाली चीज़ें होती हैं, या आप हम कह सकते हैं जो पैकेट वाली जितनी भी चीज़ें हैं, नमकीन हो गया, बिस्कुट का हो गया, जिसका में आपको क्या होती है गैस होती है नाइट्रोजन गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी से बताइए। जो आपके कौन सी गैस होती है नोबेल गैस को इनर्ट गैसेज बोलते हैं, अक्रिय गैसेज जो होते हैं, तो उसमें बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको बताया भाई हीलियम का जो होता है हाइड्रोजन हीलियम जो है उसका एटम नंबर 2 ही है, तो उसमें भाई बाहर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ध्यान रखना भाई इसमें कौन सा होता है आपके बाहर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 8। जितनी भी आपकी इनर्ट गैसेज होती हैं सभी इनर्ट गैसेज अक्रिय गैसों के आउटर ऑफ मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं भाई साहब, इसका जो सेल होता है फुलफिल होता है ऑलरेडी पहले से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28 है, यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है। भाई यकृत जो होता है लीवर जो होता है वो किस प्रकार की ग्रंथि होती है मेरे बच्चों, तो ध्यान रखिए लीवर जो होता है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये बहिस्रावी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताते रहे भाई क्या आंसर होगा। देखिए बच्चों ध्यान रखिए लीवर जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है,
बड़ी होती है, परंतु ये बाह्य स्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, क्योंकि तो बाह्य स्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जो भाई साहब जिसके अंदर डक्ट होता है, जिसका मतलब जिसके अंदर नली होती है, जो अपना जूस सीधा नली के अंदर निकालती है, तो वो होती हैं आपकी कौन सी, बाह्य स्रावी ग्रंथियां। और अंतः स्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जो अपने जूस को किसके अंदर निकालती हैं, सीधा ब्लड के अंदर ही निकाल देती हैं, वो आप उसके अंदर क्या नहीं होता है, नली का, या फिर डक्ट लेस होती है, नली का नहीं होती है, वो होती है आपकी अंतः स्रावी ग्रंथि। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका बहिस्रावी ग्रंथि। कैसी होती है, लीवर एक सबसे सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करती है वह क्या है, वो गुरुत्वाकर्षण है, उत्प्लावन बल है, या फिर जड़त्व है, या गति का प्रथम नियम है। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करती है वह क्या कहलाती है। दोस्तों ध्यान रखना, वो आपका होता है न्यूटन का फर्स्ट नियम था, ठीक है जी, तो गति का नियम कह सकते हैं, परंतु जड़त्व का नियम क्या कह देते हैं, जड़त्व का नियम। यदि ये कह देता है न्यूटन का प्रथम नियम है तो हम कह सकते, तो ध्यान रखना न्यूटन के फर्स्ट नियम में ये कहता है कि जो गति का नियम, पहला नियम जो था गति का नियम न्यूटन ने दिया था, उसमें ये कहता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब जो वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, और जो जो वस्तु वेग में है, ठीक है, जो मोशन में है वो चलती रहेगी जब तक उसको भारी फोर्स लगाकर चलती हुई वस्तु को रोका ना जाए और रुकी वस्तु को चलाया ना जाए। ध्यान रखना ये क्या होता है, रेस्ट में होती है, जड़त्व क्या होता है, मतलब कि जो चीज जड़ बन जाती है रेस्ट में है, ठीक है जी। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दांतों में सड़न कब शुरू होती है, तो दांतों में सड़न जो होती है, आपके दांत जो खराब होने लगते हैं तो कब होते हैं, मुंह में पीएच का मान 4.4 से कम होता है, या फिर मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होता है, या मुंह में पीएच का मान 5.5 से ज्यादा होता है, ये सब ध्यान रखना। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो आपके क्या होता है भाई साहब, आपके दांतों का सड़न होने लगता है भाई साहब, आपके दांत खराब होने लगते हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, ठीक है जी बच्चों। तो ध्यान रखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 है, जब एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तब केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई क्या आंसर होगा बच्चा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आपको पता होगा, सी माइनस जीरो अपॉन में 100, ठीक है जी, इक्वल टू एफ माइनस बत्तीस अपॉन में 180 इक्वल टू आपका होता है केल्विन माइनस 273 अपॉन में आपका होता है 100 इक्वल टू आर माइनस जीरो अपॉन में होता है आपका 80। रोमर केल्विन फारेनहाइट सेल्सियस, आप यहाँ पर जीरो जीरो से जीरो काट सकते हैं, ठीक है जी, दो से काट सकते हैं, 2 5 10, 2 9 18, 2 5 10 और 2 4 8, इसका फॉर्मूला जो बनेगा सी अपॉन में 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन में 9 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन में 5 इक्वल टू आर माइनस आर अपॉन में 4, ठीक है जी। तो आपको किस चीज़ का पूछा है वो चीज़ आपको वैल्यू उठानी है, सेल्सियस का कह रखा है और केल्विन की पूछ रहा है, ध्यान रखिए सी अपॉन में C/5 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन में 5, इसमें आपका सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है, तो ध्यान रखना बच्चा सेल्सियस जो है वो 78 दे रखा है, अपॉन में 5 है, के माइनस 273 अपॉन में 5 है, 5 से 5 कट गया नीचे से, इसको इधर लेकर जाएंगे तो भाई साहब ये लगभग क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा भाई, इक्वल टू 273 प्लस है ना, माइनस माइनस का हो जाता है, ये माइनस इधर हो जाएगा, प्लस क्या हो गया आपका 78, तो भाई साहब कितना बैठेगा आपका 11, ठीक है, तो कितना होगा 8 3 11, 7 14 15 और 2 3, तो कितना होगा भाई साहब, ये आपका 351 हो जाता है, कितना होता है, तो माइनस के इक्वल टू माइनस 351 और माइनस से माइनस कट गया, तो के बराबर जो होता है 351, कितना आंसर हो जाता है बच्चा, 351 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो कोई भी आपको वैल्यू दे रखी हो सभी की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकल जाएगी, जो जो चीज़ दे रखी है वो आपको पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर और बाकी जो है वो आपकी निकल जाएगी, ठीक है जी। कुछ भी कह सकते हैं, मनुष्य का तापमान, किसी भी बॉडी का तापमान वो निकल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, आपको पता होगा बच्चा O3, देखो ध्यान रखना, तो ओजोन में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3 होते हैं, कितने होते हैं बच्चे, 3 होते हैं, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, 3, ठीक है जी, तो सी आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, या एसआई इकाई या यूनिट हम कह सकते हैं, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चा, ओम होती है, या फिर वॉट होती है, या फिर प्रतिरोध होती है, फिर कूलम्ब होती है,
विद्युत आवेश के सही मात्रा क्या होता है बच्चा? वो होता है दोस्तों, वो क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताइए, वो क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? तो आवेश जो होता है चार चार्ज के सही क्या होती है? कूलाम होती है। क्या होती है? तो विद्युत आवेश है तो क्या होगा? कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। सी से डोनोट किया जाता है, सी से। ठीक है जी, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो क्या स्थापित करेगा? क्या करेगा? स्थान एवं समय के बीच संबंध करेगा, समय एवं दूरी के बीच संबंध करेगा, या फिर आपका दूरी और ऊंचाई के बीच संबंध करेगा, या फिर आपका समय व दूरी के बीच संबंध करता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं बच्चों क्या आंसर होगा इसका? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो होता है आपको पता होगा बेटा, एफ बराबर एम ए कहता है दूसरा नियम, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। बच्चा ये किस पर काम करता है? ये स्थान एवं समय के बीच संबंध बताता है। क्या बताता है? स्थान एवं समय के बीच संबंध बताता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो होता है। न्यूटन ने तीन नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35, उत्प्लावन बल किसकी व्याख्या किसने की? उत्प्लावन बल जो होता है इसकी व्याख्या किसने की है? न्यूटन ने किया, गैलीलियो ने, आइंस्टाइन ने, या फिर आर्कमिडीज ने? उदाहरण का बच्चा उत्प्लावन बल की जो व्याख्या की है वो किसने की है? आर्कमिडीज ने की है, और आइंस्टीन ने की थी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी के बारे में बताया था। ठीक है जी, गैलीलियो को ब्रह्मांड का फादर कहा जाता है, ब्रह्मांड के बारे में इन्होंने बताया था, और भैया न्यूटन ने गति के नियम के बारे में बताया था, गति के नियम। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखिए आगे तरफ चलेंगे भाई, तो ध्यान रखना आर्कमिडीज जो है उत्प्लावन बल के बारे में बता रहा है भाई, फ्लोटिंग करता है कोई भी चीज ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सभी को पता होगा, ये बार मैंने क्वेश्चन कई बार भी करवाया है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, या फिर अंगोरा? तो ध्यान रखना सबसे बड़ा जो भाग होता है मस्तिष्क का वो होता है सेरिब्रम। कौन सा होता है बच्चा? सेरिब्रम होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 37 है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो खाद्य पदार्थों में सबसे बड़ी दुर्गंध जो आती है उसका कारण क्या होता है? वो विषाणु होता है, वो कवक होता है, वो जीवाणु होता है, फिर प्रोटोजोआ। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध बनती है उसमें क्या बन जाता है? बैक्टीरिया पनप जाता है। क्या बन जाता है? बैक्टीरिया, फिर जीवाणु पनप जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आती है मेरे बच्चों? स्मेल आती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 38 है, ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? आपने कोई हथौड़ा ऐसे पकड़ के उठा रखा है तो उसमें कौन सी एनर्जी है? वो गतिज ऊर्जा है। ठीक है जी, गतिज ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा है, पारंपरिक ऊर्जा है, फिर आणविक ऊर्जा है। तो ध्यान रखिए गतिज ऊर्जा या फिर स्थिर ऊर्जा, पारंपरिक आणविक, तो ध्यान रखिए तो ऊपर उठाए हुए जो हथौड़ा होता है उसमें होती है स्थिर ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं बच्चा पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चा, इसका फॉर्मूला जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है एम जी एच बच्चों। ठीक है जी, तो एम को उसमें होता है मास जो आपने उठा रखा है, जी मतलब ग्रेविटी है, और एच मतलब हाइट, जिस हाइट से वो उठा रखा है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए बच्चों इसका आंसर जो है स्थिर ऊर्जा के अंदर होती है। स्थिर ऊर्जा के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे चाबी वाली घड़ी होता है, चाबी वाला खिलौना होता है, डैम बनाकर टरबाइन चलाना होता है, या फिर आपका जो होता है किसी तीर कमान होती है, किसी स्पिरिंग होती है, ये सारी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है जी, स्थिर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? भाई मिश्र धातु जो है वो किसका उदाहरण है? द्रव्य विलयन है, गैस विलयन है, या फिर ठोस विलयन है, फिर सभी? तो ध्यान रखना भाई, मिश्र धातु बनाई जाती है मोस्टली वो कौन सी होती है? ठोस विलयन होता है। कौन सा होता है? एक सॉलिड विलयन हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा, मिश्र धातु क्या होता है? ठोस विलयन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी की तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक कौन सा है? पृथ्वी का तापमान प्रत्येक दिन बढ़ता जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा कारक है वो कौन सा है? किसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, सल्फर ऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? ध्यान रखना पृथ्वी का जो तापमान बढ़ता जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मोस्टली ज्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है। सीओ जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे विषैली गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो दोनों गैस होती है, ये आपकी बेटा अम्लीय वर्षा कराती है। क्या कराती है? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कराने का जो काम करते हैं यही होती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41, सिलिकॉन क्या है? भाई सिलिकॉन जो होता है वो क्या होता है? चालक है, अर्धचालक है, सुचालक है, कुचालक है? सिलिकॉन और जर्मेनियम जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, तो ध्यान रखना क्या होते हैं? अर्धचालक, जिसमें से भी थोड़ी बहुत गुजर जाती है वो क्या होती है? सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें थोड़ी बहुत बिजली गुजर जाती है, ध्यान रखना जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ये क्या होते हैं? आपके अर्धचालक होते हैं।
ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखिए, इसको मेटलॉइड भी कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? मेटलॉइड, ठीक है जी। मेटलॉइड जो होता है, मेटलॉइड को बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? ये दोनों उपधातु भी है, सिलिकॉन जर्मेनियम बहुत सारी होती है, सात होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? भाई जीवन की उत्पत्ति के लिए रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने किया है, लेमार्क ने किया है, या फिर कोपरेन ने किया, फिर न्यूटन ने किया? जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए। तो बच्चों ध्यान रखना, जो जीवन की उत्पत्ति के लिए बताया ओपेरेन ने, किसने बताया बच्चों? ओपेरेन ने बताया मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भाई जो आपका वेट होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? वेट का एसआई मात्रक वही होता है जो फोर्स का होता है। तो न्यूटन होता है किलोग्राम, ओम, या फिर वॉट? ध्यान रखना बच्चा, वो क्या होता है आपका? न्यूटन भार का क्या होता है? एसआई मात्रक। किलोग्राम किसका होता है बच्चा? ये होता है द्रव्यमान का, द्रव्यमान को मास बोलते हैं। ओम जो होता है बच्चा, ये किसका होता है आपका? प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध, प्रतिरोध को बोलते हैं बच्चा रेजिस्टेंस। और बेटा वाट जो होता है, ये शक्ति का भी होता है। किसका होता है? शक्ति का भी होता है और विभवांतर का भी होता है, विभवांतर का भी होता है, ठीक है जी। तो वाट जो होता है वो शक्ति का, विभवांतर का भी, और ओम होता है प्रतिरोध का, और बच्चों वो क्या होता है? किलोग्राम जो होता है द्रव्यमान का होता है, मास का, और न्यूट्रन जो होता है ये किसका होता है? भार का, और प्लस में किसका होता है? बल का भी। किसका होता है? बल। इसका आंसर जो होगा है फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, हड्डी किस प्रकार के ऊतक हैं? हड्डी जो होती है किस प्रकार का ऊतक होता है? संयोजी ऊतक है, या फिर पेशीय ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, या फिर एपिथेलियम ऊतक है? तो हड्डी जो होती है बच्चा, वो होती है संयोजी ऊतक, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू जो होता है आपके, क्या होते हैं बच्चा? ये आपके कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन? आपका हड्डी जो होती है, संयोजी ऊतक होते हैं। एक ब्लड भी जो होता है ना बच्चा, ब्लड, ब्लड जो होता है रक्त, रक्त भी बच्चा वो क्या होता है आपका? कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक, ठीक है जी। तो ब्लड को भी कहते हैं, हड्डियों को भी तरल संयोजी ऊतक हम कह सकते हैं ब्लड को, और संयोजी ऊतक जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, वो हड्डी होती है। हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन होता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं बच्चा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन 45 है, पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं? पौधे प्रकाश की ओर जो झुक जाते हैं, किस हार्मोन के कारण झुकते हैं? ट्राउमेटिन के कारण, जिब्रेलिन हार्मोन के कारण, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण, या फिर एथिलीन हार्मोन के कारण? ध्यान रखना, पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन की वजह से झुकते हैं बच्चों? वो ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से झुकते हैं बच्चों, ध्यान रखें। यदि आपको यही नोट चाहिए मेरे दोस्तों, तो आपको नीचे जो चला हुआ नंबर है, आपको उस पर अपना नाम कमेंट के अंदर अपना नाम और व्हाट्सएप पर आप दे सकते हैं, अपना नाम और अपना कोर्स का नाम दे सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। तो ध्यान रखना बच्चों, वो क्या होता है? ऑक्सीजन हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, कवक की खोज या कवक की कोशिका, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? भाई कवक जो होता है आपका, कवक को हम बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं? कवक जो होता है इसको हम बोलते हैं फंगई, ठीक है जी। जो फंगई होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति तो प्रोटीन की, लिपिड्स की, सेलुलोज की, फिर काइटिन की। ध्यान रखना बच्चा, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। कैसे कवक, कैसे काइटिन? सेलुलोज जो होता है पेड़ पौधों की बनी होती है, पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति जो होती है, पेड़ पौधों की जो सेल जो होती है, पेड़ पौधों की जो कोशिका है, पेड़ पौधों की कोशिका, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है वो बच्चा, वो किसकी बनी होती है भाई? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है जी। और जो आपका प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं इससे बनी होती है कोशिका झिल्ली। क्या बनी होती है? कोशिका, कोशिका झिल्ली जो होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है दोस्तों। ध्यान रखिए, सेलुलोज से पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है, और काइटिन से आपकी कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, उसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसको सेंट्रोसोम्स बोलेंगे, या फिर उसको हम गोल्जी बॉडी बोलेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। तो ध्यान रखा, गुणसूत्र क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न रहते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है बच्चा? उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। किसके नाम से जाना जाता है? सेंट्रोमियर के नाम से जाना सकता है। क्रोमोसोम जो होते हैं गुणसूत्र 46 होते हैं, ठीक है जी। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, ये भी इसके अंदर आप किसके अंदर होते हैं वैसे आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। गोल्जी बॉडी जो होती है इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? कोशिका का ट्रांसपोर्टर कहा जाता है भाई, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है भाई? ध्यान रखिए भाई, कौन सा है सबसे कठोर प्राकृतिक? नेचुरल आपका सोना होता है, आपका लोहा होता है, हीरा होता है, कार्बन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है बच्चा वो हीरा होता है दोस्तों, जिसको हम डायमंड बोलते हैं। ध्यान रखने, ये आपका ना धातु है, ना धातु है, ना उपधातु है, परंतु ये अधातु का अपर रूप होता है, वो भी कार्बन का। किसका होता है बच्चा? कार्बन का एक अपर रूप होता है। कौन? आपका हीरा होता है। हीरा और ग्रेफाइट ये दो मोस्टली होते हैं कार्बन के अपर रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई 49,
किस विटामिन की कमी से ब्लड थक्का नहीं जमता है, ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिससे रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो बच्चा विटामिन सी होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए भाई आंसर क्या होगा। वेरी गुड, शानदार, गुड इवनिंग दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा है भाई आपके जिस प्रकार से जवाब आ रहे हैं। ठीक है जी, तो विटामिन की कमी कौन सी कमी है जिससे रक्त का थक्का नहीं होगा? विटामिन के होता है बच्चा, कौन सा होता है? विटामिन के। विटामिन सी की कमी से कौन सा होगा? स्कर्वी होगा बच्चों, कौन सा होगा? स्कर्वी होगा। विटामिन ए के से रतौंधी होगा भाई, विटामिन ए की कमी से कौन सा होगा? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से कौन सा होगा? रिकेट्स जो होगा। ठीक है जी, और विटामिन के की वजह से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनना। ठीक है जी बच्चों, तो ध्यान रखिए रक्त का थक्का नहीं बनेगा, वो किसकी वजह से बनेगा? विटामिन के की कमी से नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, भाई ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कपड़े को कलर करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, या फिर आपका वायु को शुद्ध करने में, या वातावरण को शुद्ध करने में? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चों, किसके लिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो पेय पदार्थ जो होता है, पेयजल जो होता है, उसको शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। कमेंट में आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला सभी को बताना है भाई। देखते हैं आप तैयारी कैसी कर रहे हो, आपकी तैयारी किस तरीके से चली हुई है भाई। ध्यान रखिए लगभग हमने 50 क्वेश्चन आपके सामने किए हैं और बड़े ही शानदार आपके लिए क्वेश्चंस रहे हैं भाई। जो मेरा भाई आपका आर्मी की जीडी ट्रेडमैन टेक्निकल जिसकी भी तैयारी कर रहा है भाई, ये इन क्वेश्चंस को देखें। इसके साथ साथ यही क्वेश्चंस नहीं भाई, इसके साथ साथ आपके 7 से 8 क्लास जा चुकी हैं। ठीक है जी, पीछे आपकी क्लास पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर। ठीक है जी, तो पूरा का पूरा साइंस हम आपको कराने वाले हैं जब तक कब तक आपका एग्जाम होगा। लगभग 22 आपकी डेट बताई हुई है, 22 तक आपका पेपर होने वाला है, 22 अप्रैल में। ठीक है जी दोस्तों, तो इस तरीके से मेहनत करते रहिए। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं, आज कल आपकी क्लास होगी, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।